नमस्कार, मैं हूँ मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार, मेरा नाम सोनी कुमार पिंटू है और आप देख रहे हैं सिने आजकल और सीएम इंडिया टीवी। आइए आज जानते हैं कि विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को क्यों मनाते हैं तथा कौन है विश्वकर्मा भगवान। पौराणिक कथा के माध्यम से इन्हीं सब के बीच आज 17 सितंबर 2020 को गिधा इंडस्ट्रियल एरिया अंतर्गत अमरपाली सिलेंडर प्राइवेट लिमिटेड के सभी यूनिटों में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विश्वकर्मा पूजा संपन्न किया गया। पूजन का आरंभ कंपनी के जीएम राकेश सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित तथा नारियल फोड़कर किया गया। क्वालिटी इंचार्ज अमित कुमार, अमरेश कुमार तथा प्लांट के इलेक्ट्रिकल इंचार्ज उज्जवल मंगलम, मुख्य यजमान और आचार्य वीर बहादुर दुबे, राजकिशोर ओझा तथा दीपक दुबे के द्वारा पूजन हवन संपन्न कराया गया। कंपनी के निदेशक प्रकाश सिंह बिष्ट के द्वारा पूजन के बाद यज्ञ की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि पूजन और यज्ञ की पुण्य सफलता तभी होती है जब आचार्य, यजमान तथा अन्य लोगों को प्रसाद के साथ साथ यज्ञ स्थल पर भोजन कराया जाए। पूर्व के प्रश्न पर चर्चा करते हुए जानेंगे कि 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है। मान्यता है कि 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। विश्वकर्मा भगवान को दुनिया का पहला वास्तुकार या इंजीनियर भी कहा जाता है। यही कारण है कि फैक्ट्रियों और कंपनियों में विश्वकर्मा पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं के महल और अस्त्र शस्त्र विश्वकर्मा भगवान ने ही बनाया था। आगे चर्चा करेंगे कि विश्वकर्मा भगवान कौन है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं के महल और अस्त्र शस्त्र विश्वकर्मा भगवान ने ही बनाया था। इन्हें निर्माण का देवता भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी, शिव जी का त्रिशूल, पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी, पुष्पक विमान, इंद्र का ब्रज, सोने की लंका को भी विश्वकर्मा भगवान ने बनाया था। अतः इसी श्रद्धा भाव से किसी कार्य के निर्माण और सृजन से जुड़े हुए लोग विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ देखने के लिए अश्वनी कुमार पिंटू के साथ सीने आजकल सीएम इंडिया टीवी देखते रहें। धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सीने आजकल न्यूज़। नमस्कार।